हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेमंत टेक ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में बताने के वाला हूं, दिखाने वाला हूं एक्चुअली, जो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर वुडवूल या भैया वुडवूल में ज्यादा कूलिंग रहती है या हनीकॉम में। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए दोस्तों, चाहे वुडवूल हो या हनीकॉम, अगर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो कूलिंग कोई भी कूलर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास जो डेजर्ट कूलर है लोहे का, उसके हम जो उस पर वुडवूल है पुराने हो गए हैं, ओल्ड है, उसको हम रिप्लेस करेंगे और फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वेंटिलेशन देना है और कूलिंग कैसे करनी है और चेंजिंग प्रोसेस। वैसे तो बहुत ईजी होता है लेकिन हम इसी पर्पज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने डेजर्ट कूलर की तरफ। ये है हमारे पास नया नेट वाला, ये आप देख सकते हो, ये ईगल ब्रांड का है और इसमें लिखा है मस्त मस्त कूलिंग पैड। वो तो दोस्तों हर ऑर्डिनरी पैड्स में होता है। ये पहला, ये दोस्तों नेट वाला है जो हमारा सिम्फनी को भी टक्कर देता है, लेकिन उससे बेटर नहीं कहूंगा, लेकिन डेजर्ट कूलर के मुकाबले ये ठीक है। तो एक बार मैं आपको नजर मार देता हूँ इस वाले कूलर में, हमें बदलना है। ये हमारा कूलर है तो ये आप देख सकते हो, इसके जो इसमें पहले ऑलरेडी यही वाला लगा हुआ था तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो इसकी जो हालत है कितनी डम हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही हमें तीसरे वाला और साइड वाला दोनों निकाल लेंगे। एक्चुअली साइड वाला मैंने पहले ही निकाला हुआ है, तो ये जो हमने निकाला है अब इसमें थोड़ी बहुत भूल है जिसको वैसे कपड़े की मदद से क्लीन कर लेंगे। ये नॉर्मली ये छोटा छोटा होता है, ये ऐसे आ जाएगा, बाकी तो दोस्तों सारा आपका पानी में कवर हो जाएगा। मोटर भी आप देख सकते हो, ये मत देखे ना इसमें रस्टेड है या, ये दोस्तों बड़े पावरफुल मशीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जो हमारा चेंजिंग प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस होता है, आपने भी देखा होगा, ये सबसे इजी होता है। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे कई बार क्या होता है ये टूट जाता है, अगर ये टूट भी जाएंगे तो उसका ही मेरे पास ऑप्शन है। पहले हम इसे आराम से इसको इजीली निकाल लेते हैं, जो जो हमारे इजीली निकल रहे हैं, ठीक है। ये आ गया जैसे, और दोस्तों दो क्लिप यहां होंगी वो भी आपकी आ जाएंगी इस तरीके से। काफी धूल है दोस्तों क्योंकि काफी टाइम बाद हमने इसे निकाला है। ये दोस्तों ये निकल जाएगा, इसको रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा पैड, जो भी आप देख सकते हो कितनी धूल में एकदम हो रखा है, इसको रखते हैं हम इधर साइड में। और एक बार इसको क्या करना है, ठीक है, बस ये हो गया है। फिर इसको जो है एक पैड यहां से निकालना है, इसको निकालने के साथ तो इसके बाद दोस्तों इसको फिर हमें यहां पे बड़े इजीली, बहुत ही सिंपल है, साइज भी एकदम ठीक है, हल्का सा बड़ा ही रहना चाहिए ताकि कूलिंग जो है प्रॉपर तरीके से आए, ठीक है। इसको इधर बिठा लेना है, ठीक है, दोनों साइड से। उसके बाद इसको लेना है, इसको ये पहले यहां से लगा लो, ठीक है। उसके बाद इसको जो यहां से लगा लो, इधर ऐसे करके इसको टाइट कर लेंगे, पहले इसको लगा लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये फिर यहां से प्रेस कर देना है, ऐसे ही दोस्तों ये यहां पे प्रेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेस हो गया। तो यही सेम प्रोसेस हमें तीनों कूलरों में करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो वेंटिलेशन का जो होता है चक्कर, वो तो क्यों होता है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, ये ओपन एरिया है, रूम अंदर है, ठीक है। अब रूम अंदर है, अभी मैं आपको चेक भी करा सकता हूँ क्योंकि जो लाइट है वो अभी है नहीं है इन्वर्टर पे। दोस्तों ये वाला जो मॉडल है, मोटर देख सकते हो काफी हैवी लगी हुई है तो ये लोड नहीं लेगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाली चीज है, तो मैं पूरा फिट करके भी आपको दिखा दूंगा इसको बाद में। लेकिन मैं बता रहा हूं, तो उसका वेंटिलेशन का जो इश्यू होता है वो क्यों होता है कि
आप जैसे ये रूम है, अब यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, कोई विंडो नहीं है, आप देख सकते हो इस साइड में, इस जोन में ये नीचे वेंटिलेशन है सारा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा पास जाके, ये देखो ये सारा, ये देखो वेंटिलेशन आ रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, तो ये हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन है। तो इसके कारण ये रूम के बाहर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो तक बनी हुई है हमारी नीचे, ये यहाँ पे विंडो है जिसके कारण कूलिंग इसकी प्रॉपर आती है। अगर दोस्तों कोई भी आप मॉडल ले लो, सिम्फनी का ले लो, कैनस्टार ले लो, डेजर्ट ले लो, कोई भी मॉडल ले लो, लोहे का हो, प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो, कोई भी कूलर हो, जब तक प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, मतलब बाहर की एयर उसको नहीं मिलेगी, कूलर ठंडा नहीं करेगा। अब ह्यूमिडिटी क्यों होती है, ह्यूमिडिटी इसलिए होती है, अभी मैं जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया, मैं ये भी बंद कर दूंगा, कूलिंग होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है, पहला ये है। दूसरा, बारिशों के टाइम पर क्या किया करें, बारिशों के टाइम पर जो वाटर पंप होता है उसको ऑफ रखा करें। ऑफ रखने से क्या होगा कि जो हमारा जो उसका क्या से बारिश के टाइम पे जैसे ऑलरेडी मौसम ठंडा होता है, तो आप वाटर पंप ऑफ करो, खाली फैन चलाओगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, आपको ह्यूमिडिटी लगेगी, ठीक है। ये होता है कूलिंग का पर्पस, कोई भी कूलर ले लो। तो जितने भी मेरे दोस्तों के कमेंट्स थे, तो इस वीडियो में मैंने वो क्लियर कर दिया कि वेंटिलेशन, अगर देखो कमेंट्स में लोग भी कहते हैं मुझे कि सिम्फनी का ये मॉडल बेकार है, डाइट बेकार है, वो बेकार है, हनीकॉम में कूलिंग नहीं होती, इससे अच्छा वुडवुल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन वो कूलिंग जब ही देगा जब आप उसको वेंटिलेशन दोगे। अगर आपने देखा होगा जो भी कैनस्टार हो या हनी सिम्फनी हो, बजाज हो, तो उनके ऊपर एक स्टीकर लगी होती है कूलर के ऊपर जो ब्रांडेड होते हैं, जैसे सिम्फनी नंबर वन पे आता है, वर्ल्ड लीडर ब्रांड है, और फिर आता है आपका बजाज, फिर आता है कैनस्टार और क्रॉम्पटन वगैरह, बहुत सी कंपनियां आती है। तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, उसमें ऊपर लिखा हुआ होता है, स्टीकर लगी होती है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो वो कूलिंग नहीं कर पाएगा, पहला। दूसरा क्या होता है इसमें कि वेंटिलेशन तो है, और एवरी ईयर मतलब हर साल, जैसे अभी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि वो पैड भी चल सकता था, लेकिन मैं एवरी ईयर मैं चेंज करता हूँ। भले मेरे पास एक पे डेजर्ट कूलर है, एसी भी अलग लगा हुआ है, दोस्तों एसी की भी जरूरत नहीं है, प्लाग कूलर से काम चलाएंगे, अभी इतनी गर्मी है भी नहीं। और नीचे मेरे पास एक कैनस्टार का मॉडल रखा हुआ है, हालांकि मेरी मोस्टली वीडियो सिम्फनी की होती है, क्योंकि एज ए टेक्नीशियन मैं उसमें काम करता हूँ, इसलिए मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, और क्रॉम्पटन की, क्रॉम्पटन का भी हमारे पास है तो हम उसकी वीडियो बनाते हैं। तो मेन पर्पस यही है कि आप उसको वेंटिलेशन दोगे तभी होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सेटअप इसका चेंज करने के बाद, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि पैड्स एक मैंने आपको दिखाया सेट करने के लिए, ये प्रॉपर आप देख सकते हो, थोड़ा पास में आपको दिखाता हूँ, ये भी चेंज हो गया है, ठीक है, न्यू पैड्स लग गए हैं, ये बैक साइड आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और दोस्तों साइड्स का शायद आपको नहीं दिखे, क्योंकि ये मैंने एक वेंटिलेशन बनाया हुआ है, ये भी चेंज हो चुका है, ठीक है। और जो हमारे पुराने पैड्स थे मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये पड़े हैं, इनकी हालत भी एकदम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मैं दोस्तों एवरी ईयर चेंज करता ही हूँ। अब जो दोस्तों दूसरी चीज है जो मैं आपको बताने वाला था, एक बेस्ट कूलिंग बढ़ाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे क्या करना है आपको, आप जैसे मान लो ये मॉडल है हमारे पास, या कोई भी मॉडल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी फिल कर लिया, वाटर इसमें फिल करने के बाद, जो मैं बेस्ट कूलिंग का बता रहा हूँ, क्रॉस वेंटिलेशन के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी अब तक, ठीक है, जो मैंने बताया। बाकी कूलिंग बढ़ाने या कूलिंग ज्यादा करने के लिए उसमें लोग क्या करते हैं, पहले फैन चलाते हैं फिर पंप चलाते हैं, यानी कि कूल पंप, और कई लोग दोनों चीजें एक साथ चलाते हैं, ऐसा नहीं करना, इससे कूलिंग आएगी लेकिन वो बाद में मिलेगी। मैं बताऊँ, अब जैसे नए पैड्स लगे हैं, चाहे पैड नए हो या पुराने, अब जैसे ये बिल्कुल नए हैं प्रॉपर, इस टाइम इसको हमें करना है क्या होगा, हमें पहले वाटर फिल करके खाली कूल वाला यानी कि पंप ऑन करना है, कम से कम हमें 5 मिनट तक पंप ऑन रखना है, इससे हमारे चारों तीनों साइड से जो पैड्स हैं, या कोई हनीकॉम सिंगल पैड है या ट्रिपल पैड है, डबल साइड है, सिंगल साइड, वो प्रॉपर अच्छी तरह से गीले हो जाए, ठीक है। गीले होने के बाद जब वो आप 5 मिनट आप देखोगे तो जब बिल्कुल गीले, फिर आप फैन चलाओ, और दोस्तों फिर मुझे बताना आप कमेंट करके कूलिंग में फायदा है कि नहीं है। और दोस्तों ये मैं यकीन दिलाता हूँ, आप ऐसा करके देखो आपको कूलिंग भी बेस्ट लगेगी, और वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखना। आप कई जगह ऐसा होता है, फ्लैट्स में भी होता है कि जो जैसे फ्लैट्स होते हैं अपने 2 BHK 1 BHK, मैंने भी खुद देखा कई जगह ऐसा होता है वेंटिलेशन मिल ही नहीं पाता है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, वहां एक शाफ्ट बनी होती है, तो हम शाफ्ट की जगह रख के सिम्फनी का मॉडल हो, चाहे कैनस्टार हो, चाहे डेजर्ट हो, कोई भी मॉडल हो, आप हमारे के चला सकते हो। तो सिंपल है बस, वेंटिलेशन और जो मैंने बताया, और पैड भी आपने देख लिया, हमने बड़ा फटाफट से रिप्लेस किया, और ग्रासा वाले इस पैड का, तो दोस्तों सिम्फनी में अगर हम जाते हैं हमारे को ये जंबो जो मॉडल आता है उसके भी पैड इसमें लग सकते हैं, जंबो का पैड जो प्राइस है वो 400 होता है,
ये दोस्तों नेट वाले जो मुझे पैड मिले 200 रुपीज के, जहां से मिले उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर लेना। अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।